मंदिर में जाते हैं तो जो जाने वाले मंदिर में भगत हैं वो ऊपर वाले शिव बाबा को देखते हैं या नीचे वाले लिंग को देखते हैं? किसको देखते हैं? उनकी बुद्धि में क्या है? नीचे वाला है तो घंट बजाते हैं, उठो हम आ रहे हैं। क्योंकि सारी दुनिया शिवो हम समझती है। तो शिव बाबा ने ये कहा, भारत उठो। उठो का मतलब नीचे गिरा हुआ है या उठा हुआ है? नीचे गिरा हुआ है, अभी उठ खड़े हो जाओ, बहुत ढेर सारा काम करना है। तो यही बात चाणक्य में आई है। जो गुरु है वो चाणक्य बोलता है, भारत उठो। उठो को मतलब दिव्य गुणों की धारणा में उठो, राजयोग की पढ़ाई में ऊंचे उठो, ज्ञान की बातों की प्रैक्टिकल धारणा में ऊंचे उठो और ईश्वरीय सेवा में भी ऊंचे उठो। और बाबा जगदम्बा दूसरों को जगाए दीजिए, जगदम्बा दूसरों को जगाए दीजिए। और जगदम्बा ने जगाया, वाह भैया, शिव बाबा तोड़ गया। अरे माता जी पहले गलती तो सुधारो। जगदम्बा माने, जगदम्बा माने जगत को जगाने वाली। अच्छा शिव बाबा नहीं है? नहीं ऐसे बताया है। आप एक बात फैसला करके बताइए, जगदम्बा उठाने वाली है या शिव बाबा उठाने वाला है? शिव बाबा है उठाने, लेकिन हम नहीं मानेंगे। हम तो जगदम्बा को मानेंगे। है जगदम्बा दूसरे को जगाए, ऐसा कोई अर्थ नहीं है। जगदम्बा का अर्थ ये नहीं है कि जगत को जगाने वाली। अरे ये अर्थ ही नहीं है जगदम्बा का। वार्तालाप तो कौन से वार्तालाप बताया है कि जगदम्बा जगत को जगाने वाली है? नहीं, तो जो खुद सोया हुआ है वो तू जगत को कैसे जगाएगा? ये आपकी समझ है। जगदम्बा का अर्थ है जगत की अम्बा, जगत को जगाने वाली नहीं, जगत की अम्बा। अम्बा माने माता, सारे जगत की माता है। जो ऊंच से ऊंच पार्टधारी है उनकी भी माता है, और नीच से नीच जो पार्टधारी है उनकी वो भी जन्म देने वाली है, उनकी भी अम्बा है। तो दुनिया में ऊंचों की संख्या ज्यादा है या नीचों की संख्या ज्यादा है? है नीचों की संख्या ज्यादा है। सारे जगत की अम्बा है, सिर्फ देवताओं की अम्बा नहीं। देवताएं तो वो कहे जाते हैं जो पूरे 84 जन्म लेते हैं। पूरे 84 जन्म लेने वाले कितने हैं? 9 लाख। तो 9 लाख सिर्फ उनकी नहीं, किनकी? सारे जगत की अम्बा। सारा जगत उसकी गोद में खेलता है। ऐसे नहीं कि सिर्फ 9 लाख ही हैं और एक है भारत की माता। जगत की माता नहीं है, किसकी माता है? भारत की माता। किसकी माता? जो ज्ञान में रत रहने वाले हैं उनकी माता, देवताओं की माता। जो अज्ञान में ही लगे रहते हैं
ज्ञान दाता की बात सुनते ही नहीं, ध्यान ही नहीं देते, उनकी माता नहीं है। तो ब्रह्मा और जगदम्बा एक ही जैसा पार्ट हुआ या अलग अलग हुए? हैं? ब्रह्मा और जगदम्बा एक ही जैसा पार्ट है। ब्रह्मा दुनिया में जो असुर हैं उनकी तरफदारी जास्ती लेता है, इसलिए असुरों की संख्या ढेर की ढेर बनती है। और विष्णु है सिर्फ भारतवासी देवताओं को ही सपोर्ट करता है, औरों को सपोर्ट नहीं करता। और बाप, बाप का क्या पार्ट है? दोनों को सपोर्ट करता है। बच्चा कुपत्ता है, कुपत्ते बच्चों की संख्या ज्यादा है और श्रेष्ठ बच्चों की संख्या कम है, तो भी बाप की उम्मीद है कुपत्ते बच्चों में भी कि आज नहीं तो कल सुधर जावेंगे। लास्ट का बच्चा भी है, छोटा तो खोटा बच्चा भी है, तो भी उम्मीद है कि एक जन्म की जीवन मुक्ति ये बच्चा भी पा जावे, आधा समय जीवन में सुखी रहे कम से कम। दुख की दुनिया में तो आत्मा रमण न करे हमेशा। तो तीनों प्रकार की आत्माएं हैं, झंडे में तीनों दिखाए गए हैं। झंडे में जो ब्रह्मा का चित्र दादा लेखराज का दिखाया है वो राइट है या रंग है? राइट है। वो कपड़ा है जिंदा अभी है? वो कपड़ा फिर दिखाया क्यों? हाँ, जो नीचे का कपड़ा है वो हरा कपड़ा जगदम्बा की यादगार है। विश्व विजय करके दिखलावे तब हो वे प्रणपूर्ण हमारा। उस विश्व विजय में जगदम्बा भी सहयोगी है। क्या अंत तक सहयोगी बन के रहेगी या ब्रह्मा बाबा दादा लेखराज की तरह बीच में उड़ जाएगी? है? अंत तक सहयोगी बन के रहेगी। बाकी ऐसे नहीं है कि सारे जगत को जगाने वाली है, नहीं। हाँ, तो जगदम्बा के बारे में प्रश्न क्या है? महाकाली बनती है तो सो जाती है। हाँ, महाकाली बनती है तो सो जाती है। सो जाती है तो दौड़ती कैसे? और सोते सोते कोई दौड़ता है? और सोते सोते दौड़ेगा उसको और शंकर जी कैसे पता चलेगा कि रास्ते में शंकर जी पड़े हुए हैं कि नहीं पड़े हुए हैं? अरे जगदम्बा की आंखें बड़ी बड़ी दिखाई जाती हैं या छोटी छोटी दिखाई जाती हैं? है? बड़ी बड़ी आंखें दिखाई जाती और तीसरा नेत्र दिखाया जाता है कि नहीं है? तीसरा नेत्र भी दिखाया जाता है। तो क्या सो रही है? जो सोता हुआ होगा उसका तीसरा नेत्र दिखाया जाएगा नहीं? जगदम्बा भी जागती ज्योति है, ऐसे नहीं सो रही है। क्या क्या गड़बड़ कर देती है? वार्तालाप में बाबा ने सब कुछ बोला। हाँ, तो अच्छा चलो बाबा ने बोला तो फिर आगे चलो मान लिया बाबा ने बोला। हाँ, फिर है? ऐसे बात चलाते हैं। हाँ, जगदम्बा माने फिर है, आपने फिर ये बाबा ने बोला नहीं है, जगदम्बा माने जगत को जगाने वाली। तो आपने समझ लिया, फिर दोबारा उस कैसेट को ध्यान से सुनना। जगदम्बा जगत को जगाने वाली नहीं है,
ये रंग बात है और दूसरी बात जगदम्बा जब पार्ट बजाती है महाकाली का तो सो जाती है, ये भी रंग बात है, ये सच्ची बात है, ये भी रंग बात है, ये भी बाबा ने नहीं बोला। अगर सो जाती है तो तीसरा नेत्र क्यों दिखाया गया? तीसरा नेत्र जागती ज्योति की निशानी है या सोने वाली की निशानी? जागती ज्योति की निशानी है। शंकर जी को तो दिखाते हैं कि तीसरा नेत्र है तो, लेकिन बंद है, जब विनाश होता है तो आंख खोल देते हैं, हैं? जब आंख खोलते हैं तो विनाश हो जाता है, तो बाबा कहते हैं बंद ही बना रहे तो अच्छा है। अगर खोल दिया तो क्या होगा? विनाश हो जाएगा। शंकर जी को तो दोनों तरह का नेत्र दिखाते हैं। अब माता ध्यान से सुन ही नहीं रही, क्या कहा? शंकर जी को तो बंद नेत्र भी दिखाते हैं और जब विनाश होता है तो उनका नेत्र खुलता हुआ भी दिखाते हैं, लेकिन महाकाली को बंद नेत्र नहीं दिखाते, तीनों ही नेत्र खुले हुए। और इन्हें पूछा है आगे पीछे के जन्म दुनिया तो हमारे देखेगी नहीं, नहीं देखेगी? अरे हर सितारे की अपनी अलग अलग दुनिया है या एक ही दुनिया है सबकी? है अलग अलग दुनिया, किसी की छोटी दुनिया और किसी की बड़ी दुनिया, अनेक जन्म है, अनेक जन्मों में जितने भी संबंध संपर्क या संसर्ग में आने वाली आत्माएं हैं वही तो हमारी दुनिया है, है या नहीं? वही हमारी दुनिया है। तो हमारे संसर्ग संपर्क और संबंध में आने वाली आत्माएं हमारे बारे में जानेंगी या नहीं जानेंगी? वो तो जरूर जानेंगी। दूसरी आत्माओं के संसर्ग संपर्क संबंध में आने वाले जाने या न जाने? तो ये बात रंग है कि आगे पीछे के जन्म दुनिया तो हमारे देखेगी नहीं, ऐसा होगा? हमारे से कनेक्टेड जो हमारी दुनिया होगी वो तो देखेगी। संगम पर सारी दुनिया होती है और ना ही हम आगे पीछे के जन्म क्लियर खुद बोल सकते हैं, अभी तो नहीं बोल सकते, लेकिन आगे चल के अपने मुंह से अपने पार्ट को क्लियर करेंगे। ऐसे बात नहीं बोलेंगे, अभी नहीं बोल सकते, अभी नहीं बोल सकते कि ये मेरा शरीर था, मैं ऐसा था, फिर अंत में जानेंगे। तो जब अंत में जानेंगे तो जो दुनिया का होगा वो ही हमारा होगा। क्या होगा दुनिया का, है? दुनिया का क्या होगा, है? विनाश, दुनिया का विनाश होगा, वो ही हमारा विनाश हो जाएगा, ऐसा होगा? नहीं। अरे दुनिया का विनाश होगा, हमारा विनाश नहीं होगा। तो फिर संगम की त्याग तपस्या का क्या फायदा है? हम क्यों यहाँ बैठे हुए हैं? आराम से शादी करो, बर्बादी करो, मत रहो, फालतू यहाँ टाइम वेस्ट कर रहे। वाह भैया, नाम हम तो नहीं लिखा, अंदर की बात बता दी। और सुनो,
होने को तो भगवान भी नहीं जान सकता। है? जान सकता है? है? होनी माने आगे क्या होने वाला है, उसको तो भगवान भी नहीं जान सकता। जान सकता है? है? तुमने गलत अर्थ लगा लिया भगवान का। क्या गलत अर्थ लगाने के कारण कहते हैं कि जान सकता है भगवान माने क्या है? अरे धनवान माने क्या है? धनवान माने धन वाला। तो भगवान माने क्या? अच्छा तुमने शब्द का मात्रा बढ़ा के अर्थ ही बदल दिया। अरे भग शब्द है या भाग्य शब्द है? शब्द क्या है तो अर्थ बदलने के लिए उसका ढांचा क्यों बदल दिया? जो शब्द है उसका ही अर्थ देखना चाहिए नहीं डिक्शनरी में। हमें शब्द मिला है भग और हम डिक्शनरी में देखने लगे भाग्य, तो अर्थ बदल जाएगा या एक ही अर्थ रहेगा? हाँ बदल जाएगा। तो भगवान का गलत अर्थ समझ लिया होगा क्या? सही अर्थ समझेंगे तो ये बात बोली है, होनी को तो भगवान भी नहीं जान सकता। कौन सा भगवान है? जो डिक्शनरी में अर्थ है भग का, जैसे धनवान वैसे भगवान। धनवान का ढेर सारे धन के ऊपर कब्जा होता है, तो भगवान का? अरे कब्जा होगा कि नहीं होगा, उसको कहेंगे भगवान। तो जो ऐसा कब्जे वाला है भगवान, वो तो होनी को नहीं जानता होगा। जानता होगा कि नहीं जानता होगा? है? वो जानता होगा। अरे वो नहीं जानता होगा जिसका अर्थ दुनिया वालों ने डिक्शनरी में बताया है। तो भगवान भी नहीं जान सकता। वो भी कहता है कि मैं जानी जाननहार नहीं हूं। जानी जाननहार माने अंतर्यामी। जानी जाननहार माने क्या? अंतर्यामी। ऊपर वाला अंतर्यामी है नीचे वाला? ऊपर वाला तो अंतर्यामी हो सकता है, नीचे वाले अंतर्यामी नहीं हो सकता। तो बात सही लिखी है गलत लिखी है? कि होनी को तो भगवान भी नहीं जान सकता। वो भी कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता। जानता है? जाने जाननहार है? अरे जाने जाननहार नीचे वाले के लिए कहा है कि मैं नहीं हूं जाने जाननहार। नीचे वाला है या ऊपर वाला? नीचे वाला जानी जाननहार नहीं है साकार। ऊपर वाला? ऊपर वाला तो जानी जाननहार है। अच्छा ऊपर वाला कुछ नहीं करता, अकर्ता हूं। करता है कुछ ऊपर वाला? है? हाँ डायरेक्शन देता है लेकिन करता है? करता कुछ नहीं है। बच्चों से कराता है, करता कुछ नहीं है। करवाता है माने करण करावन हार दोनों नहीं है। अरे ये क्या बात हुई? करण हार है कि नहीं? अभी कह रहे कि नहीं है, अकर्ता है। ये दुनिया वाले कहते हैं कि भगवान अकर्ता है, लेकिन वास्तव में भगवान अकर्ता नहीं है, करणहार भी है, करके दिखाता भी है। किसके द्वारा? ब्रह्मा के द्वारा कर्म करके दिखाता है और फिर
कर्ता के साथ साथ अकर्ता भी है, खुद नहीं करेगा, करे या न करे लेकिन बच्चों से करा, तो करणहार भी है और करावनहार भी है, और दोनों ही स्वरूप करणहार और करावनहार एक में ही इकट्ठे हो जाए, एक ही स्वरूप, एक ही व्यक्तित्व, एक ही पर्सनालिटी, जिसमें करणहार भी है और करावनहार भी है, दोनों इकट्ठे हैं तो क्या कहा जाता, करण और करावनहार। ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूं तो फिर संगम पर भी ये पहाड़ों जैसे दुख, दुनिया से भी ज्यादा दुख, बीमारी के दुख, कितना शरीर खराब, तो भगवान से मिलकर के भी क्या फायदा। अब ये भोग तो हमें ही भोगने हैं, भगवान मिले या फाड़ने जाए, ये बात सही है कि नहीं? भगवान मिला तो फायदा क्या हुआ, ये सोचने वाली बुद्धि, इस तरह सोचने वाली आत्मा देहाभिमानी सांडा है या अपने को आत्मा समझ के बोलती है? अपन को आत्मा समझ के बोलने वाली आत्मा ये नहीं कहेगी कि इसी जन्म में हमें भगवान सब कुछ प्राप्ति करा दे। भगवान आत्मा की प्राप्ति कराने के लिए आया है या देह की प्राप्ति एक जन्म की कराने के लिए आया है? लेकिन समझने समझने का अंतर पड़ जाता है। जो अपन को आत्मा समझ करके ज्ञान ले रहे हैं उनकी बुद्धि में ये बात बैठती है कि भगवान भविष्य की जन्मों की आत्मा की प्राप्ति के लिए आया, क्योंकि आत्मा का कनेक्शन 84 जन्मों से है जो भविष्य में मुझे मिलने वाले हैं। ये जन्म जो वर्तमान जन्म है शरीर का, इसमें भगवान से प्राप्ति नहीं होती है, सिर्फ हम पुरुषार्थ कर सकते हैं इस शरीर से, लेकिन जो भी प्राप्तियां इस जन्म में हमको होनी है वो पूर्व जन्म का प्रतिफल है, या तो जो हमने इस जन्म में ज्ञान में आने से पहले और ज्ञान में आने के बाद जो पाप कर्म किए हैं, पुण्य कर्म किए हैं, उसका प्रतिफल है। लेकिन इस शरीर के जो दुख मिल रहे हैं, मनसा का ताप मिल रहा है, सुख मिल रहे हैं, वो पूर्व जन्म का प्रतिफल है। हमारा किया हुआ, हमने जो बीज बोया है वो ही हम काट रहे हैं, इसमें भगवान कुछ नहीं कर सकता। अगर भगवान हमारा कर दे तो सबका करे कि एक का करे? फिर तो सबका करना पड़े, फिर तो जो ज्ञान में आते जाएंगे तो निरोगी कंचन काया बनता जाएगा। बनना चाहिए कि नहीं? बनना चाहिए। तो पहली शर्त है ज्ञान की, अपन को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद कर। आत्मा नहीं समझा, देह समझ लिया, तो फिर उल्टे उल्टे संकल्प आएंगे, आसुरी संकल्प आएंगे, दैवी संकल्प नहीं आएंगे, दैत्यों के संकल्प आएंगे, राक्षसी संकल्प आएंगे, और वो राक्षसी संकल्प हमको नीचे गिरा देंगे। लौकिक बात है या पारलौकिक बात है? पारलोक माने आगे आने वाले जो जन्म है, इसे विषय सागर से पार जब हम उतर जाएंगे, उस पारलोक के जन्मों की प्राप्ति कराने आया है या इस लोक के जन्म की प्राप्ति कराने वाला बाप है? जो पारलोक में आने वाले जन्म हैं, उनकी प्राप्ति कराने वाला पारलौकिक बाप आया हुआ है। ये अज्ञानता है,
जो बात बुद्धि में बैठ जाती है कि भगवान आया फिर भी हम इतने दुखी हैं। अरे भगवान सुख दुख थोड़े ही देता है, ये तो अपने अपने कर्मों का हिसाब किताब है। जो आत्माएं पुनर्जन्म को नहीं मानती है वो मुसलमान और क्रिश्चियन ये बात सोचे तब तो ठीक है। अरे हम तो भारतवासी हैं, हम तो पुनर्जन्म को मानने वाले हैं, पुनर्जन्म का हिसाब किताब जानने वाले हैं, हम भगवान को कभी भी दोषी नहीं कह रहे हैं। 63 जन्म तो भगवान को दोष देते देते हम पत्थर बुद्धि बन गए, अब इस जन्म में भी हम भगवान को दोष देंगे तो फिर हमारा क्या हाल होगा? हाँ प्रश्न आया है, बाबा सीता जन्म लेती है तो पृथ्वी माता से लेती है, सीता की पैदाइश कहाँ से होती है? हैं? पृथ्वी मात पृथ्वी वो सीता का जन्म कहाँ से होता है? हैं? पृथ्वी सीता का जन्म दाता कौन? हैं? पृथ्वी का जन्म देने वाली पृथ्वी माता है या राजा जनक है? हैं? राजा जनक पृथ्वी माता या मिट्टी का गड़ा है? क्या है, कहाँ से जन्म मिलता है? है अरे बुद्धि को एक जगह रखो, जो जाने वाले हैं उधर क्या देखना है? सीता को जन्म देने वाला बाप है। सीता का बेहद अर्थ क्या है? है? सीता का अर्थ है शीतल, जो शीतल पार्ट बजाने वाली है आत्माएं हैं वो सीताएं हैं, उनका जन्म घड़े से होता है। घड़ा कहाँ से निकलता है? पृथ्वी में से निकलता है। तो ये बुद्ध रूपी घड़ा है क्या? बुद्ध रूपी घड़ा चैतन्य होगा या जड़ है? चैतन्य बुद्ध रूपी घड़ा है, कहाँ से निकलता है? पृथ्वी से निकलता है। कौन हुआ चैतन्य बुद्ध रूपी घड़ा? प्रजापिता। वो ही बाप है, वो ही जनक है, वो ही घड़ा है। तो पृथ्वी माता नहीं है क्या? उसकी माता कोई सीता की माता पृथ्वी नहीं है, कौन है? या पिता ही माता है। शिव ऊपर से आता है, आता है कि नहीं? शिव तो पिता है, जो ऊपर से आया वो पिता है, ज्ञान का बीज बोने वाला। और किस में प्रवेश करता है? है? दोनों में प्रवेश करता है। प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करनी है ना, तो एक में प्रवेश करता है या दो में? दोनों में साथ साथ प्रवेश करता है, माता में भी और पिता में भी। माता में प्रवेश करता है भक्ति मार्ग का फाउंडेशन डालने के लिए,
और बाप में प्रवेश करता है ज्ञान मार्ग का फाउंडेशन डालने के लिए। तो माता जिसमें प्रवेश किया उस माता को अपने स्वरूप की पहचान स्वयं ही होगी या बाप से होगी। इसलिए जगदम्बा किसकी पुत्री है? हैं? ब्रह्मा की पुत्री है। शिव प्रवेश करता है तो नाम क्या रखता है? ब्रह्म। तो वो जनक की पुत्री है, पृथ्वी की पुत्री नहीं है। वो तो स्वयं ही क्या है, है? स्वयं ही पृथ्वी है, उसकी कोई माता नहीं है। तो यहां पूछा है सीता जन्म लेती है पृथ्वी माता से लेती है, फिर परीक्षा देते देते पृथ्वी में समा जाती है, तो पृथ्वी माता का आवाहन करती है। इसका वेद का अर्थ क्या है? है असल जो पृथ्वी है, पृथ्वी माने पृथ्व्या, क्या अर्थ हुआ? है जो फैलती चली जाती है, पहले भारत छोटा सा देश था, फिर बाद में बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। तो ये पृथ्वी के लिए ही ये लबात लागू होती है या भारत के लिए भी ये बात लागू होती है? भारत भी पहले छोटा होता है और त्रेता के अंत में बड़ा हो जाता है। ऐसे नहीं कि भारत माता विकसित रूप धारण नहीं करती है, उसकी जनसंख्या बढ़ती ही नहीं है, उसकी भी जनसंख्या बढ़ती है। तो सीता अव्वल नंबर कौन हुई? भारत माता अव्वल नंबर सीता हुई या जगदम्बा अव्वल नंबर सीता हुई? है कौन हुई? है भारत माता, वो भी तो सीता है। सीता माने शीतल स्वभाव की है या गर्म है? शीतल स्वभाव की। हाँ, रामायण में ये दिखाया है, क्लियर कर दिया है कि जो असली सीता थी उसको बोला तुम पावक में करो निवासा, तुम योगाग्नि में निवास करो, भोग से तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं है। क्या ये देह और देह के भोग, इससे तुम्हारा कनेक्शन नहीं है, तुम क्या करो? तुम योगाग्नि में निवास करो। और दूसरी सीता बनाई जी, उसका नाम भी सोने की सीता कहा जाता है। तो वो मेटलिस्टिक है या चैतन्य है? माने मेटलिस्टिक है, भौतिक पदार्थ का मादा ज्यादा है और चैतन्यता कम है। जड़ तुम्हारी बुद्धि ज्यादा है और चैतन्य बुद्धि कम है। तो जड़ तुम्हारी बुद्धि होने के कारण विदेशी बाप को पहचान पाते हैं असली रूप में या नहीं पहचान पाते हैं? नहीं पहचान पाते। और भारतवासी बाप को पहचान लेते हैं। जगदम्बा विदेशी तो नहीं है, विदेशियों की माँ तो है लेकिन विदेशी तो नहीं है। भल विदेशी नहीं है तो भी जड़त्वमयी बुद्धि कहेंगे, क्योंकि बाप को पहचान करके भी
मान करके जान करके बाप को लहना देते हैं क्या मेरे साथ रहने वाले बच्चे मेरे को नहीं पहचान पाते। इस लिस्ट में जगदम्बा है या नहीं है, है? तो जड़तुमयी बुद्धि है या चैतन्य बुद्धि कहेंगे, जड़तुमयी बुद्धि भारत माता के मुकाबले। भारत माता भारतवासियों के लिए खास बोला है, समर्पण होने में हृदय विदीर्ण होता है। क्या बहुत सोच समझ के फिर समर्पण होते हैं। और विदेशी फॉरेनर्स फॉरन, ये अंतर पड़ जाता है। कोई काम करें तो सोच समझ के करना अच्छा है या फॉरन करना अच्छा? कोई भी काम सोच समझ के करना अच्छा है। कदम उठाएं तो सोच समझ के उठाएं, और जब एक बार कदम उठा लिया तो फिर पीछे नहीं हटना। ये श्रेष्ठ आत्माओं की निशानी है। या तो कोई काम करेंगे नहीं, और करेंगे तो पूरा करके छोड़ेंगे, संबंध जोड़ेंगे तो जीवन भर निभा के तब छोड़ेंगे, नहीं तो छोड़ेंगे नहीं। तो ये अंतर पड़ जाता है। तो ये पृथ्वी का अर्थ न समझ पाने के कारण ये प्रश्न पैदा हुआ है। और क्या भारत माता पृथ्वी का स्वरूप नहीं है? वो भी तो पृथ्वी का स्वरूप है। इसलिए भारतीय परंपरा में शंकर की जो पार्वती है उसको भी जगदम्बा कहते हैं या नहीं कहते हैं? वो भी जगदम्बा है। ऐसे नहीं कि जगदम्बा ही जगदम्बा है, नहीं, पार्वती भी जगदम्बा है। और जिनको जाना है वो निकल जाए, बाद में बाबा के ऊपर रख दे। हरिश्चंद्र राजा बहुत बड़ा राजा होता है। क्या हरिश्चंद्र बहुत बड़ा राजा होता है, सम्राट होता है। कहाँ का राजा था? है? कहाँ का राजा था? अरे है? ऐसा तो शास्त्रों में शब्द नहीं आया है। कहाँ का राजा था? वाराणसी में जाकर के उसको बेचा गया। कहाँ बेचा गया? वरुणासी, वरुणा नदी, और तलवार का रूप, असी माने तलवार, तलवार का रूप धारण करने वाली गंगा नदी जहां मिलती है वहां वरुणासी में उसको बेचा गया। किसके हाथ? है चांडाल के हाथ बेचा गया, माने चांडाल का कर्म करना पड़ा। क्या कर्म होता है चंडाल का? है जो भी मुर्दे हैं उन मुर्दों को जलाने का काम किसका होता है? चंडाल का। ज्ञान की भाषा में मुर्दा किसको कहा जाता है? जिनकी बुद्धि में ज्ञान नहीं बैठता वो क्या हो गए? मुर्दा हो गए।
तो जब लास्ट में अंतिम परीक्षा होगी, फाइनल पेपर होंगे, तो कितने बाप को पहचानने वाले बचेंगे? हैं? आठ ही होंगे और बाकी सब भूल जाएंगे, बाप आप लगा। तो जैसे कि मुर्दे हो गए, उन मुर्दों में आग लगाने का काम उस चांडाल का है। तो हरिश्चंद्र राजा बहुत बड़ा राजा होता है, लेकिन ऐसी कौन सी बात हो जाती है जो वो अंत में चांडाल बनता है? इसकी शूटिंग कहाँ होती है? बाबा ने क्या बताया? चांडाल कौन बनते हैं? जो दान दे करके वापस ले लेते हैं तो क्या बनते हैं? चांडाल बनते हैं। यज्ञ के आदि में भी क्या हुआ? प्रजापिता और भागीदार ब्रह्मा बाबा दोनों भागीदार थे। दुकान का सारा हिसाब किताब ब्रह्मा बाबा को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? फिर दिया है? नहीं दिया। जैसे आज के गुरु लोग होते हैं तो चेलों का सब कुछ हड़प करके बैठ जाते हैं जबरदस्ती। तो ऐसे ही कोई हिसाब किताब नहीं दिया और बाद में जब झगड़ा हुआ तो कोर्ट कचहरी वगैरह सब होता रहा और चला गया, जिम्मेवारी यज्ञ की छोड़ दी। तो पहले तो ये जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया कि सब कुछ ईश्वर अर्पणम, माताओं कन्याओं के हवाले कर दिया, लेकिन प्रजापिता ने सब कुछ ऐसा किया क्या? है? नहीं किया। तो अगला जन्म गरीब घर में होगा या साहूकार घर में होगा? सौ गुना पाप का बोझा चढ़ जाता है। ऐसे गरीब गांव में जाकर के जन्म होता है, ऐसे घर में जहाँ के लोगों को खाने के लिए पेट भर रोटी भी नहीं मिलती, माँ आलू बहुत पैदा होता है क्या? आलू बहुत पैदा होता है शिवलिंग के आकार वाला, और वो आलू बहुत सस्ता भी होता है क्या? आलू की खान है, इतना सस्ता आलू कि 2 रुपए का 40 किलो। ऐसा भी आलू बिका, लेकिन छोटा छोटा। तो वहां के लोगों को जब रोटी नहीं मिलती, ज्यादा महंगाई कभी बढ़ जाती है, तो आलू रोज खा करके ही अपना जीवन का गुजारा कर लेते हैं। ऐसे गरीब गांव में आता हूं जहां के लोगों को खाने के लिए रोटी भी नहीं मिलती, तो गरीब बना। और गरीब ही नहीं बनता है, बाबा तो क्या कहते, जो धन दे करके या कोई भी चीज अर्पण करके वापस ले लेते हैं, चाहे कन्या हो, चाहे धन हो, चाहे तन हो, कुछ भी अर्पण किया और अर्पण करने के बाद वापस ले लिया तो क्या बनते हैं? गरीब ही नहीं, चांडाल बनते हैं। तो दूसरा जन्म जब वो आत्मा लेती है तो ज्ञान में आने के बावजूद भी उसको चांडाल का पार्ट बजाना पड़ता है। सारी दुनिया के जो भी मुर्दे हैं, उन मुर्दे में आग
में लगानी पड़े, ज्ञान के डंडे से हिला हिला के ऐसी आग प्रज्वलित करता है, राख का ढेर ही दुनिया में बचता है और कुछ भी नहीं। तो चांडाल बनता है पूर्व जन्म के कर्मों के हिसाब से। राम सीता के साथ जा रहे हैं, लो रखो रखो लो। हाँ जी, राम सीता के साथ हनुमान और लक्ष्मण सदैव दिखाते हैं, इसका रहस्य क्या है? सदैव दिखाते हैं, हैं? दिखाते हैं। लक्ष्मण को जब शक्ति लगती है, मूर्छा आती है, तो साथ रहता है या साथ भूल जाता है? हैं? अरे भूल जाता है। ये बात तो नहीं कि राम लक्ष्मण सदैव ही साथ रहते हैं। हाँ, मोस्टली साथ है। शास्त्रों में दिखाया है कि लक्ष्मण को थोड़ा दुख आ जाता है कि मैं छोटा भाई बना तो मुझे बड़े भाई की सारी बात माननी पड़ती है, इसलिए अगले जन्म में मैं क्या बनूं? बड़ा भाई बनूं। तो बलराम बन जाते हैं। तो फिर भगवान को क्या करना पड़ता है? भगवान को बड़े भाई की सारी बात माननी पड़ती है। तो वहां भी साफ दिखाया गया है, कृष्ण और बलराम कंस को मारने जाते हैं तो भी साथ, मक्खन चुराते हैं तो भी साथ, माने हर कर्म में साथ साथ दिखाते हैं। और जब यादगार मंदिरों की स्थापना होती है द्वापर कलयुग में तो भी उनकी मूर्तियां जगन्नाथ और बलराम के रूप में साथ ही साथ दिखाई जाती। तो सवाल ये है कि लक्ष्मण को तो साथ ही साथ दिखाते हैं मोस्टली, लेकिन हनुमान को सदैव साथ दिखाते हैं क्या? है? नहीं दिखाते है? दिखाते नहीं हैं? राम लक्ष्मण सीता तीनों हैं। हाँ, हनुमान को सदैव साथ नहीं दिखाया है। बचपन में हनुमान राम लक्ष्मण के साथ नहीं होते हैं, जब बड़े हो जाते हैं तो साथ ही साथ हैं, और जब राजगद्दी पे बैठते हैं तो भी हनुमान का साथ है। बाकी बचपन में साथ वहां भी नहीं है। इसका अर्थ क्या है? है? हनुमान कोई दूसरी आत्मा नहीं है, ब्रह्मा वाली सोनी हनुमान का पाठ बजाने वाली है, जो शरीर छोड़ने के बाद पवन सुत कही जाती है। क्या शरीरधारियों में ज्यादा ताकत होती है?
या सूक्ष्म शरीर धारियों में ज्यादा ताकत होती है, तो सूक्ष्म शरीर धारण करते हैं तो इंस्पिरेटिंग पार्टी होती है, वो ज्यादा पावरफुल है। तो दिखाते हैं कि उनके सेवक के रूप में हनुमान साथ है। बाप दादा कहा जाता है, शरीर एक है, पार्टदारी एक है, परंतु आत्मा दो। मुझे याद करो, ये भगवान बाप को बोलना पड़ता है, मुझे याद करो, मुझे याद करो, मुझे याद करो, बोलना पड़ता है। और लौकिक दुनिया में जो लौकिक बाप होते हैं वो बोलते तो नहीं है, बोलते हैं नहीं बोलते, फिर भी बच्चे लौकिक बाप को याद करते हैं। तो इसकी शूटिंग क्या होती है, इसकी क्या शूटिंग होती है ब्राह्मणों की संग में भी दुनिया में, जो बाप को बोलना पड़ता है और लौकिक बाप को बोलना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक याद करते हैं। अलौकिक में कोई वर्षा ही नहीं होता है, ना अलौकिक बाप से वर्षा मिलता है। हाँ, अलौकिक कहाँ है, इसमें कुछ भी नहीं आया अलौकिक, इसमें सिर्फ लौकिक की बात आई कि लौकिक बाप को बोलना नहीं पड़ता मुझे याद करो, और पारलौकिक बाप को बोलना पड़ता है कि मुझे याद करो, मुझे याद करो, मुझे याद करो। रट्टा लगाए हुए हैं रोज, मुरली 70 साल हो गए अभी भी रट्टा चालू है, मुझे याद, गुस्सा भी नहीं आता नहीं तो रोज रोज बोलते बोलते लौकिक बाप को तो गुस्सा ही आ जाए। तो इसकी शूटिंग क्या होती है, शूटिंग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, शूटिंग तो होना चाहिए लेकिन समझ में नहीं आती है, करते भी हैं, रोज वो शूटिंग कर भी रहे हैं लेकिन समझ में नहीं। हाँ, तो बाप ही समझाते हैं क्या, इस रहस्य को भी बाप ही समझाते हैं, दूसरा कोई समझा ही नहीं सकता, ये भी बाप की पहचान है। वो समझाते हैं, क्या समझाते हैं कि देखो तुम्हारे दो बाप हैं, एक पारलौकिक आत्माओं का बाप, वो बार बार कहते हैं, क्या कहते हैं, मुझे याद करो, जो जिसमें प्रवेश करते हैं वो इस लोक का साकार बाप है या पारलौकिक बाप है, इस लोक का लौकिक बाप है, उसके पारलौकिक भले बेहद का है लेकिन लौकिक है या पारलौकिक है, लौकिक है। तो दोनों बाप में से कौन कहता है मुझे याद करो, मुझे याद करो, मुझे याद करो, और कौन नहीं कहता है लेकिन याद आ जाता है। ब्रह्मा बाबा के टाइम पर भी ऐसा ही था क्या, शिव बाप मुरली में रोज बोलते मुझे याद करो, मुझे याद करो, लेकिन ब्रह्मा कुमारियों को आज भी कौन याद आता है, ब्रह्मा बाबा याद आ जाता, दादा लेखराज बाबा, दादा लेखराज कहते हैं कि मुझे याद करो, वो तो नहीं कहते थे। तो लौकिक हुआ या पारलौकिक हुआ, तो सूची हो रही है, वैदिक में भी होती थी और एडवांस में भी होती है, 63 जन्म के आदि हैं, किस बात के, लौकिक को याद करने के।
इसलिए स्वभाव पक्का होने के कारण भले वो कहता नहीं है किसी से कौन लौकिक बेहद का बाप प्रजापिता नहीं कहता है कि मुझे याद करो, फिर भी याद तो करते हैं, तो शूटिंग हो रही कि नहीं हो रही समझ में क्यों नहीं आता। लेकिन बाबा हाँ बोलो क्या तो लौकिक याद आता है ना, लौकिक याद आता है ना ज्यादा, ज्यादा कौन याद आता है, लौकिक याद आता है ना, तो जो लौकिक बेहद का बाप है वो ऑटोमेटिक याद आता है, कभी कहता भी नहीं, वो कहता है क्या, वो नहीं कहता तो भी याद आता है, तो शूटिंग हो रही है कि नहीं। भगवान को याद करेंगे तो हमें भगवान याद करेगा, भगवान की सेवा काम करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे तो हमें याद करेगा, सेवा करेंगे तो मेवा मिलेगा, दुनिया में मनुष्य भी तो ऐसा ही करती है, हैं? नहीं करते, दुनिया में जो मनुष्य होते हैं या संबंधी होते हैं उनकी याद से याद मिलती है कि नहीं मिलती है, हैं? मिलती है, तो उसको अगर हम काम आए तो हमको काम आता है वरना नहीं, तो फिर भगवान को दाता क्यों कहा जाता है, फिर वो हमें देता क्या है, क्या देता है, देता है, अरे हम याद करेंगे तभी तो देगा, हम उसकी सेवा करेंगे काम करेगा तभी तो देगा, नहीं करेंगे तो नहीं देगा, तो फिर दाता किस बात का, दुनिया में भी ऐसे होता है और यहां भी ऐसे ही हो रहा है, तो क्या फर्क है, भगवान एक जन्म का देता है कम से कम, हाँ जो कम सेवा करेंगे कम से कम सेवा करेंगे कम से कम याद करेंगे उनको भी एक जन्म का सुख का वर्षा जरूर देता है, और लौकिक बात गारंटी नहीं है कि एक जन्म का 100% सुख शांति का वर्षा देगा ही देगा, अंतर नहीं हुआ है? और जो पहचानते हैं मानते हैं जानते हैं और उसके रास्ते पर बताए हुए रास्ते पर चलते भी हैं तो उनको तो गारंटी देता है 21 जन्म का वर्षा देता हूं, लौकिक बाप देता है क्या नहीं, नहीं देता है। लौकिक बाप हमें अपने अनेक जन्मों का परिचय भी नहीं देता है, और ये बाप अनेक जन्मों का परिचय भी देता है, लेना चाहे तो ले न लेना चाहे तो न ले।
प्रश्न पूछने वाले से बहुत है या है ही नहीं हाँ मैं पूछ कर वो चिट्ठी देकर वो गए यहाँ बैठे हाँ तो चिट्ठी दिया मेरे चिट्ठी जिसने क्वेश्चन किया वो चले गए एक शर्त है हम पढ़ देंगे हाँ फिर मानना पड़ेगा हाँ बोलो हाँ नहीं तो बोझ चढ़ेगा भगवान की तो बात नहीं नहीं यार हम पढ़ देंगे पढ़ने वाली बात जो है हम भी मानेंगे और आप भी मानेंगे अगर नहीं मानेंगे तो हमारे ऊपर भी बोझ चढ़ेगा आप जो मानेंगे ये परमिशन देनी पड़ेगी क्या बाबा ओम शांति कर दीजिए ना प्लीज बाबा चावल सब्जी बच जाएगा बाबा ऐसे तो मानने वाले नहीं बिना प्रूफ और प्रमाण के बुद्धिमान लोग मानने के लिए तैयार नहीं होते तो बताना ही पड़ेगा